अनुभव नहीं करना, कृपा की भावना रखनी, धारणा करनी कृपा है। अनुकूल प्रतिकूल जो परिस्थिति आ गए उसमें ऐसा मान लेना का भगवान कृपा कर भेजी है। बच्चे का माँ लाड प्यार करती है, खिलाती है, हृदय लगाती है, प्यार करती है, और कभी कभी थप्पड़ भी जमा देती है, शासन भी करती है, बगल डर भी जाता है। तो माँ की क्रिया तो दो होती है, कभी प्यार की कभी मार की, परंतु माँ का हृदय दो होता है क्या? कभी अनिष्ट भी चाहती है क्या? हृदय तो एक है, भीतर का एक हृदय है, जबकि कभी तो मार है कभी प्यार है। ऐसे भगवान का संपूर्ण प्राणियों के प्रति प्यार ही एक समान है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मम प्रिय, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय। तो समान रीति से मात्र के ऊपर कृपा है भगवान की। उसमें कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। अगर मेरे को ये सुहृद मान ले, मैं तो सुहृद हूं ही। सुहृद और मित्र में फर्क होता है। मित्र उपकार के बदले उपकार करता है, वो मित्र होता है। उपकार करे, अनुपकार करे, चाहे अपकार भी करे, तिरस्कार भी करे, तो भी उपकार करने की वृत्ति रहे केवल, ऐसे स्वभाव वालों को सुहृद कहते हैं। ये सुहृद है सब कही, ये तो रहते जग जुग उपकार, ये तुम तुम्हार सेवक, ये भगवान और ये भगवान के सेवक, ये बिना कारण हित करने वाले हैं, दो ही है बस। और सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ कार्य करे सब प्रीति, स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने ऊपर परमार्थ नाही। तो बिना स्वार्थ हित करने वाले उसको सुरद कहते हैं। भगवान कहे भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। मेरे को सुहृद मान ले तो उसको शांति की प्राप्ति होती है। तो भगवान सुहृद है। अब ये पूर्ण सुनने के बाद अब विधान जो होता है वो भगवान से छिपा हुआ नहीं होता है। हमारे सुखदायी परिस्थिति आती है, दुखदायी परिस्थिति आती है, वो भगवान के विधान से आती है, चाहे हमारे कर्मों का ही फल हो, पर विधान तो भगवान का किया हुआ है। तो दुखदाई से दुखदाई परिस्थिति भी भगवान की भेजी हुई है, सुखदाई से सुखदाई परिस्थिति भी भगवान की भेजी हुई है। भगवान की भेजी हुई है, भगवान का स्वभाव है सुहृद, बिना कारण हित करने वाला। तो हमारे पर परिस्थिति आई है, ये भगवान की कृपा से आई है। कृपा भीतर से, जैसे माँ की कृपा भीतर से एक रहती है, ऐसे हमारे के सुख दुख आते हैं तो भगवान की कृपा हमारे पर एक है भीतर से। जब उसकी कृपा है तो हर्ज क्या है? जैसे वैद्य है कोई और हमारे पर बहुत स्नेह रखता है, और वो हमारे बुखार हो गए,